पूरे शहर से झाग। आज है मंडे और बारिश आज इतनी अच्छी हो रही है सुबह सुबह, और अभी टाइम बराबर 9 बजे है और हम लोग ने अभी तक चाय नहीं पिए क्योंकि हम फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे मस्त, और बारिश की वजह से तो क्या नींद लगी क्या दानू तो उसकी वजह से अभी चाय मैंने रखी है, बस होने वाली अभी चाय पियेंगे हम लोग। और मैंने सोचा कि चलो कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बस, क्योंकि पहले तो चाय तो हो जाए उसके बाद तो सब काम करेंगे। तो मैंने सोचा अभी 9 बजे है, फिर कब वीडियो स्टार्ट होगा ना कब क्या, तो सोचा चलो चाय पीते पीते वीडियो ही स्टार्ट कर लेंगे है ना। और मस्त हम मैंने उत्ते के साथ लगाया है FM, तो वीडियो शूट करना था ना इसके लिए मुझे FM की आवाज कम कर दी है मैंने। और दानिश साथ में न्यूज भी देख रहे हो, घर में अंधेरा देखो कितना है, कल के कपड़े हमारे अभी तक नहीं सूखे है, कपड़े पड़े हैं और बाहर बहुत अच्छा है। नाश्ता नहीं बनाया तो मैंने दानिश को कहा था सिर्फ समोसे लाने के लिए कि समोसे ना नाश्ते में लेकर आओ, लेकिन दानिश ने देखो क्या क्या लाया है, ये देखो ये, और साथ में ये इतने पाव क्यों लाए, कड़क पाव इतने सारे, ये पूरे कड़क पाव है, ये अच्छी चीज लाई है, बारिश है तो उसमें चाहिए ये चीज, तो ये मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ये इतने क्यों लाए दानू? अरे चाय से लगते ना मेरे को इतने पाव, अरे एक साथ एक दिन में खा जाना, हाँ एक दिन में नहीं, पर तो बाद में ला सकते थे ना, रोज जाने का उधर मिलना देखो, रोज कौन बोलता है 2-3 दिन में एक बार जाने का। अस्सलाम वालेकुम, आज घर में इतना अंधेरा है कि दिन में भी लाइट्स लगाने पड़ रहे हैं, और मैं अभी नहाई हूँ, मेरे बाल भी सब गिले ही, सोच रही हूँ मशीन घुमा लूँ, और बाहर आहा इतना अच्छा लग रहा है कि किसी को याद नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है। हाँ अभी फाइनली गर्मी चली जाएगी ना, क्योंकि आज बारिश जो गिरी है ना उससे मतलब ज़मीन ठंडी हो गई ना, तो इसके लिए अब गर्मी नहीं करेगी है ना, लेकिन मैं तो नहाई हूँ तो मुझे तो गर्मी ही कर रही है क्योंकि आज कितने दिनों बाद गर्म पानी से नहाई है ना छोनी, मेरे छोनी। तो अभी मैं सोच रही हूँ चलो बाल को मैं मशीन घुमा ही लूँ कि सर्दी बर्दी लग जाए उससे पहले, और मैंने मक्के भी उबाल दी है, मक्के खाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो रूम में सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ा है, फैन वगैरह सब कुछ चालू, थोड़ी सी हवा खा लूँ जरा, सच में नहाने के साथ तो कितना भी करो गर्मी होती ही है, थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ और उसके बाद सोच रही हूँ बाल को मशीन घुमा ही लेती हूँ। तो इस तरीके से आज का दिन मस्त शुरू तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सुबह फजर हमने पढ़ी ना तो सोने के लिए आए, हमने सोचा क्या करें, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं थी कि मैं सो, वीडियो डाला फजर पढ़ के, और उसके बाद फिर दानिश को नींद आई थी तो दानिश सो गए, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, बच्चे भी जाग गए थे, मैं और बच्चे हम तीनों मस्त मस्ती कर रहे थे, बहुत मजा आई मस्ती करने में सुबह सुबह। और फिर कुछ तो भी 6:30-7 बजे बारिश लगी, सुबह सुबह बारिश नहीं लगी थी, 6:30-7 बजे बारिश चालू हो गई, तो उसके बाद जो हुआ क्या हुआ कि एकदम अचानक से सब कुछ ठंडा हो गया, और हमने तो सुबह पजामा के बाद भी AC लगा दी थी क्योंकि बच्चों को भी गर्मी होती है तो इसलिए, और फिर AC लगाई थी, तो उसके बाद अचानक से मतलब बारिश भी आई, क्योंकि मैंने ना पर्दा एक साइड का खोल लिया था, पर्दा खोलने से क्या होता है ना यहाँ ना पूरे कबूतर बैठते हैं, यहाँ पे जो ग्रिल है ना मतलब ये बेडरूम की जो गैलरी है ना उसके जो ग्रिल है ना तो उसके ऊपर पूरा कबूतर बैठे हुए रहते हैं हमेशा दिन रात हमेशा, इसलिए वो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते गैलरी, तो कबूतर रहते, तो क्या होता है ना कि एक साइड खोलने से ना बच्चे ना वो कबूतर देखने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पे, उनको देखने के लिए बैठते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक साइड का पर्दा खोल दिया था, इसके लिए पता चला कि बारिश हो रही है, वरना अगर रूम पे आँख हो AC चालू हो ना और अगर पर्दा बंद हो ना तो फिर बिल्कुल पता नहीं चलता कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इस वजह से पता चला कि बारिश चालू हो गई। तो बारिश चालू होने के बाद भी बिल्कुल भी नींद नहीं थी आँख में, हम लोग तो बस मस्ती कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा देखते देखते करते करते अचानक से मुझे भी नींद आने लगी, और मुझे नींद कब आई कम से कम 7:45 हाँ 8 बजे मैं सोई, 8 बजे सोने के बाद दानिश को उठने लग गए, मैंने कहा अभी सो जाओ मुझे तो नींद आई है, तो फिर मैं बराबर मतलब आधा घंटा सो गई थी मेरे ख्याल से, मैं आधा घंटा फिर सोई, तो मतलब देखो सुबह सुबह नींद नहीं आ रही थी ना, बारिश होने के बाद फिर नींद आई, तो बहुत अच्छा भी लगा ना। लल्ला क्या कर रहा है लल्ला, ये देखो
क्या कर रहा है? घुमाओ, देखो कितना भागा देखा क्योंकि आजा कुछ नहीं। मैं ना लल्ला ना छोटा था ना, तो लल्ला को जब नहलाती थी ना, लल्ला को ही मशीन से मैं ना उसको भी ड्रायर से सुखाती थी ना लल्ला। इसके लिए लल्ला ना ये ड्रायर देखते के साथ भाग गए। वो देखो वहीं पे बैठा है। आजा लल्ला, ए नाई नाई करके आ, सुखा देती लल्ला को ना। मैंने लल्ला ना भाग गया है हाँ, क्योंकि मैंने ये ड्रायर हाथ में लिया। दामिनी जी कुछ काम से गए हैं, लेकिन दूर वगैरह ऐसा नहीं, काशी गए, हाईवे पे ही गए हैं। आज ऐसा लगा था जैसे पता नहीं बारिश रुकेगी नहीं, मौसम देखकर। हवा देखो कितना चल रही है, इतनी ज्यादा हवा है कि क्या बताओ। और देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और दानिश भी अभी तक नहीं आए हैं, दो बच्चे सोए, एक ही बच्चा जाग रहा है। और सच में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है ना कि बाहर थोड़ी थोड़ी ना मतलब ठंडी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज ना फैन की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा बैठो तो ऐसा मतलब है, सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ बारिश तो फिर से आ गई, मुझे लगा बारिश चली गई। बस है ना छोटी, ए छोटी बारिश आ गई। दो टॉवेल है बाहर, वो निकाल लेती हूँ, ये तो वो भीग जाएंगे ना, बहुत हवा के साथ बारिश आई है। पानी ना पूरा गैलरी में आ जाता है ये, क्योंकि हवा चलती है ना। छोटी, और मैंने सुबह के कपड़े धोए ले वैसे ही बाथरूम में पड़े हैं, क्योंकि क्या है ना देखो हालत, यहाँ बाहर मेरे कल के कपड़े सूख रहे थे अभी तक, इसके लिए फिर मैंने ना कल के कपड़े ना अभी तक बाहर डाले ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अभी डाल लूँ। देखो क्या हालत हो गई। इतनी हवा चल रही है। थोड़ा सा यहाँ बैठेंगे, देखते हैं दानिश कब तक आते हैं। हमारे यहाँ ना अंदर कुछ भी बंदोबस्त नहीं है कि कपड़े सुखाने के लिए डाल सके ऐसा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वो रस्सी वगैरह बांधो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ बाहर हवा रहती है ना तो सूख जाते, बारिश नहीं है ना तो भी सूख जाएंगे। लेकिन बारिश रहने के बाद हवा रहती है ना तो बारिश का पानी ना पूरा गैलरी में आ जाता है, क्योंकि बारिश आती है वापस। कि शाम से मतलब ना बारिश ना रुक गई थी, तो ऐसा लगा था अब गई बारिश। छोटी बाहर मत जाना, पापा पानी आएगा, चल अंदर चल। देखा वो बाहर चला गया। छोनी अंदर आ, ए छोनी। अभी दानिश कब आएंगे पता नहीं, हम लोग सोच रहे कि हम लोग ना यहीं पे बैठे, क्योंकि सच में यहाँ ना बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी सब बच्चे भी तीनों भी यहीं पे मेरे पास ही है। और आज खाने में मैंने, मुझे लगता है नहीं तो भी 3 साल बाद मैंने बाजरे की रोटी नहीं जवार की। तो मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, लेकिन वो भी 3 साल पहले बनाई थी। अभी 3 साल बाद मैंने जवार की रोटी बनाई है, लेकिन मुझे ना यकीन नहीं था कि इतने अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। पहली रोटी उतनी अच्छी नहीं बनी, उसके बाद की रोटी बहुत अच्छी बनी। मैंने 4 रोटी बनाए थे, उसके बाद के 3 रोटी बहुत ही परफेक्ट और अच्छे बने हैं। तो इसके लिए आज मैंने चिकन का सालन बनाया था ना, जवार की रोटी। जवार की रोटी हो या बाजरे की रोटी हो ना, चिकन का सालन रहेगा ना उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। आ छोनी, तो इस तरीके से मैंने मतलब किया था। और अभी तो कुछ खाने का इरादा है नहीं। कल रात में दानिश ना आए थे, बॉम्बे गए थे, तो वहाँ से आते आते उन्होंने ना रात में मतलब मेरे लिए दही बड़े लाए थे, जहाँ से मुझे पसंद है। तो वो 2 डब्बे लाए थे, तो उसमें से 1 डब्बा मैंने रात में खाया था, 1 डब्बा बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी, दानिश ने नहीं खाया रात में भी, मैंने अकेले ही खाया था। तो मैं सोच रही हूँ अभी दानिश और मैं मिल के खाए, और फिर मक्के लाए है, फिर आम भी है। तो ऐसा सब खाने का सोच रहे, इसके लिए मैं अभी कुछ करने वाली नहीं हूँ। और सुबह की नाश्ते की तैयारी करनी है। मैं सुबह सोच रही हूँ चने की चाट बनाओ, तो इस तरीके से मेरा प्लान है। और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अभी तो हम मज़े ही लेंगे यहाँ आके। मुझे ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3-4 दिन से ना डेली तैयार हो रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ना
पहले मेरा ऐसा था ना, एक कौन पहले ना, मैं हमेशा तैयार होती थी हमेशा, उससे ना काफी लोगों को जलन भी होती थी कि मैं हमेशा तैयार होती हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम हुआ, पता नहीं बच्चों की वजह से कि क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना कहीं ना कहीं ना मेरे खुद के लिए ना टाइम नहीं मतलब मिल रहा था, तो अभी वो मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे मेरा टाइम चाहिए और मैं तैयार हो जाऊँ मस्त। मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी लगाना, तैयार होना। फिर दानिश बहुत सारे गजरे हमेशा लाते थे, मैं गजरे तो नहीं इतना लगाती थी, लेकिन मुझे मतलब अच्छा लगता था कि पहले कैसा मैं रहती थी, मैं अब कैसा रह रही हूँ। तो यही अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दूँ। तो इस तरीके से मेरा आज का सबका रहा। और दानिश के मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो भी आ चुका है कल, तो मैं आने मतलब इसके बाद के वीडियो में बताऊंगी। तभी इस वीडियो को मैं यहीं पे अल्लाह हाफिज़ कहूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी देखो, हाँ छोटी को एक बात बोलना चाहती हूँ। छोटी को इतना मतलब लाड़ में आ रही है ना आजकल कि वो मेरे ना ऐसी गोद में आकर बैठती है और मुझे बोलती है कि मुझे पेट पे हाथ घुमाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना छोटा। आजा 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 आजा, देख छोटी छोटा ऊपर दे, छोटा ऊपर दे, चोनी चोनी इसको देखो कितना खराब कर डाला है ना छोना। हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।